ये इतनी भोली गाय बन के ऐसे बोलेंगे, कह रहे यार अरुण आपने वो ब्लैंकेट क्यों ले रखा था, आपने ये कंफर्टर क्यों नहीं लिया? मैंने कहा है तूने लेने दिया था, तूने लेने। बहुत से लोगों का ना कल मैं वीडियो में कमेंट पढ़ रही थी कि आप दोनों में सच में इतना प्यार है या आप लोग सिर्फ अपनी क्या बोलते हैं वीडियो में दिखाते हो। ये भी था सब। हाँ, वो विटामिन एच वाली वीडियो में। अच्छा। तो यार प्यार इतना ही है, और उसने नीचे कमेंट में किया था कि आप लोगों का अगर इतना ही प्यार है तो झगड़ा नहीं होता होगा। पहली बात तो जहाँ ज्यादा झगड़ा होता है ना प्यार वहीं ज्यादा होता है। झगड़ा हमारे बीच वैसे झगड़ा वैसे बहुत रेयर, और रेयर भी झगड़ा क्या होता है वो काइंड ऑफ वो आर्ग्यूमेंट होता है किसी पॉलिटिकल इशू को लेके, और उसमें भी अच्छा उपासना सच बताना कि झगड़ा करता कौन है अगर होता है तो। मेरा नहीं आ सकता क्योंकि द रीजन इज कि मैं एक्चुअली यार मैं बताती हूँ नहीं ये शांत है, पर इनका पता क्या होता है ये ना एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं, और मेरे को इतनी इरिटेशन होती है ना आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना तो बराबर बहस करके उस चीज को खत्म करती हूँ। मैं अरुण को हमेशा एक चीज बोलती हूँ, अरुण यार अभी 3 महीने हुए मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने साल हो गए हमारी शादी को और हम ऐसे रहते हैं। वाकई में उपासना ने ये चीज बोली थी, मतलब मैं कसम खा के बोलता हूँ कभी ये मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो के लिए बोलते हैं, क्योंकि होता है यार देखो कई लोग वीडियोज के लिए बोलते हैं ऐसी चीजें, पर मेरे को उपासना ने ये चीज बोली और ये 1 महीने बाद की बात है। यार ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं? मैंने कहा हाँ, पिछले दिनों में नागमणि मिल गई थी, हम दोनों ही नाग नागिन थे। नहीं तो, मैंने कहा था कि मतलब ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से हम जानते हैं, क्योंकि हमारी कभी इन चीजों को लेके कभी बहस या ये चीजें मतलब हुई नहीं, कभी काम को लेके नहीं, फोन को लेके नहीं, ठीक है कभी मतलब है नहीं, वो टिपिकल सी चीजें नहीं मिसिंग है वो सारी, वो सब तो नहीं है। मतलब मेरे को काम है, मेरे को पता है मैंने लेट होना है, मैं कॉल नहीं भी करूं मैसेज डाल दिया लेट हो जाओगे ठीक है। लेकिन अगर हाँ, अगर उपासना को अगर कभी बाहर जाना होता है, अगर मैं कहूँ ना उपासना काम है ठीक है, तो मैं समझ जाता हूँ वो ठीक है कौन से वाला ठीक है था आज। मैंने कहा नहीं अरुण अभी जाना पड़ेगा जल्दी। क्योंकि यार मतलब दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत नहीं मतलब बहुत चीजें कि मैं डिमांडिंग नहीं हूँ, ही इज वेरी एक्सप्रेसिव एंड आई एम नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल, तो आई एम वेरी यू नो अ काइंड ऑफ रिजर्व्ड भी कह सकते हैं, बट ओनली विद द एक्सप्रेशन आई थिंक। हाँ बट ऑल दो मतलब जैसे मैं आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट, ही इज वेरी इंट्रोवर्ट। हां आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, मतलब मेरे से नहीं है कि यार मैं चार लोगों से मिला उसी में घुल मिल जाऊं। सो वी आर लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल, हर चीज सो ऑलवेज वी अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई वी हम ना हर चीज में नॉर्थ एंड साउथ है। मैं आपको ये भी बात बताऊं, हर चीज में मतलब आप कोई टॉपिक उठाओ, फूड से लेके इवन चॉइसेस में लेके, कि मतलब इनको अगर जैसे सपोज करो कि ये नहीं कि सिर्फ अपनी चीजों को लेके आइए, सपोज करो कि इनको ना आज जैसे शादी में आना था, मतलब एंगेजमेंट में आना था संयम की, तो शी इज लाइक कि प्लान करना 2 दिन से या ये वो, मेरे को ये भी नहीं पता कपड़े प्रेस है कि नहीं है। हाँ, रात को आई एम लाइक कि वो शर्ट प्रेस है, तो उपासना ने बोल दिया कि प्रेस है तो मतलब वो प्रेस है, ये नहीं कि मैं देखने जा रहा हूँ मेरी शर्ट प्रेस है या नहीं है। तो मुझे हर चीज में परफेक्शन चाहिए होती है, मतलब खाने को लेके शीज लाइक कि ये ऐसे वो होना चाहिए थोड़ा क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको क्या? जो सारी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छी हो, ठीक है टेस्ट वाइज आई एम वेरी मतलब वो चूजी लगा लो है ना, फूडी भी हूँ क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ, मुझे किसी के हाथ का जल्दी पसंद नहीं आता। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर उपासना को कहीं खाना पसंद नहीं आया, कहीं भी अगर ये खा रहे हैं तो इनका मूड ऑफ हो जाता है, ठीक है। मैं लाइफ में ये नहीं समझ पाया अगर मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा तो मैं किसी दूसरी जगह जाके अच्छा खाना खा लूंगा, पर मूड ऑफ में कैसे कर सकता हर चीज कपड़ों को लेके मतलब मैं इतनी ज्यादा वो उन चीजों को लेके वो रहती हूँ, ये बहुत फंकी टाइप में मतलब हाँ। प्रेफर करते हैं मतलब अब, मेरे को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और वो लगा लो कि अब, जैसे मुझे क्लिनिक जाना है तो मैं उस तरह का रखती हूँ, जैसे मुझे घूमने जाना है तो मुझे उस तरह का, मतलब सारी कलेक्शन है। अब मेरे साथ क्या है कि यार मैंने ना कॉर्पोरेट वगैरह में जॉब वगैरह की, ठीक है, तो मेरे को ना बहुत डिसेंसी की आदत पड़ गई, बहुत ज्यादा डिसेंट रहने की, तो फिर हम ना हर चीज में मतलब आप कोई भी टॉपिक आप मतलब चाहे कमेंट करना और बताना सर इस टॉपिक पे आप लोग कैसे हो, हम हर टॉपिक में बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। मैं मतलब बहुत ज्यादा आलसी टाइप से हूँ, उपासना मेरे को ये कह देंगे ना कि अरुण सरोजनी चलना है, तो अरुण के अंदर का जो आलस है ना वो तब तक सरोजनी नहीं जाएगा जब तक अति नहीं हो जाएगी, क्योंकि आज नहीं गए तो आज लड़ाई हो सकती है। मतलब ये चीज ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ, मैं मतलब बहुत सुपर एक्टिव हूँ कि मेरे को हर चीज परफेक्ट, तो मैं इनको चीजें ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ, मतलब इवन मुझे घर का भी कुछ भी लाना होता है तो अरुण को पता भी नहीं होता कि वो चीज आनी है या नहीं आनी, और मैं ले आऊंगी क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत आलसी टाइप है यार। मैं अपने काम को लेके नहीं हूँ, बट काम को लेके मैं पूरे टाइम उसमें लगा रहूंगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी एक्स वाई जेड चीज है ना मैं हद से ज्यादा आलसी हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये सारी बातें कि हम हर चीज में ना बहुत डिफरेंट है,
एंड एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि आपकी जो मतलब लाइक्स वगैरह हैं वो मिलती हो तभी आप साथ रह सकते हो, अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट हो तो भी आप साथ रह मतलब सकते हो। खाने को लेके भी, जैसे आपने वो हमारा डेट वाले ब्लॉग देखे होंगे, मतलब मुझे खाने में पूरा ये सॉस ये क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसे रही हूँ, मतलब इनको किसी चीज का वो नहीं है, ये मुझे पता क्या कहते रहते हैं यार तो क्या है ये कैसा टेस्ट है, पर ये नहीं कि ये मुझे मना करते हैं या मैं इनको मना करती हूं। ये है कि मैंने आज तक मना नहीं करा। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी होता है कि आप लोग कैसे चीजों को मैनेज करते हो। यार क्योंकि है देखो हम लोग बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, मैनेज करने का तो देखो मैंने पहले ही कह रखा है कि मैंने कहा मैनेज कर लेना हमारी ना जब हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कहीं बाद में ऐसे हो कि अरुण ये क्या हो गया, ये तो बंदा ही अलग है। परफेक्शन मतलब मेरे को इतना, मैं तो इतना हूँ कि मतलब खाना भी हम लोग जैसे खाते हैं तो मेलामाइन वो है ना। हाँ, मेरे को बड़ा साइको है इन चीजों का। कह रही यार ये मेलामाइन होने चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे को याद है मैंने अरुण को पहली बार कहा, मैं क्या अरुण ये स्टील के बर्तन ये चेंज करके मेलामाइन, एक्चुअली पता क्या यार जैसे हम माहौल में रहते हैं ना हम वैसे ढल जाते हैं। मतलब मेरे को क्या है स्टार्टिंग से जैसे घर पे चीजें ये वो, मतलब मम्मी पापा उन मतलब वैसी वैसी हैबिट्स पड़ गई। लड़कों में होता है वो होते हैं बेफिक्रे से, उनको जो जैसे कर दिया ना वो वैसे रहते हैं। मेरे को तो यार ऐसा क्या पत्तल पे दे दो मैं तब भी खुशी खुशी खा लूंगा। ओ माय गॉड, पहली बार कह रही यार मेलामाइन, मैंने कहा मेलामाइन क्या होता है, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा बस ना चीनी मिट्टी के बर्तन। कह रहे नहीं वो अलग होते हैं। बिल्कुल जो नॉर्थ एंड साउथ वाला जो अगर कोई किस्सा याद आ रहा हो, बिल्कुल अब मैं बताता हूँ जैसे सोने में मैं बताती हूँ। मतलब मेरे को कैसे है कि हम मतलब हम दोनों में ना बड़ा ये चीज है, मतलब लोगों को बड़ा फनी लगेगा, हम सेम क्विल्ट शेयर नहीं करते हैं इवन, या सेम ब्लैंकेट। उसमें क्या है कि मतलब जैसे मेरे को सोना होता है ना तो मेरे को होता है कि नहीं यार मतलब पूरा बेड को लचिए पिल्लो ये ऐसे कम्फर्टर, अरुण बड़े अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़। आई ऑक्यूपाई ओनली 10-15% ऑफ द बेड, रेस्ट 85% इज कवर्ड बाय उपासना एंड हर पिलोज, क्योंकि उनको एक पिलो चाहिए जिसको वो हक करेंगे, एक पिलो चाहिए जो सर के नीचे लगाना है, ठीक है, एक कंबल चाहिए या कोई कपड़ा, डबल बेड का पूरा कंफर्टर चाहिए होता है मेरे को, एक डबल बेड का पूरा कंफर्टर चाहिए ओढ़ने के लिए, उसके बाद एक कंबल या फिर कोई कपड़ा चाहिए मुंह ढकने के लिए, ठीक है, उसके अलावा मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन उपासना कि अगर उनका मन है तो वो एसी चलाएंगे, ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि उसी एसी को चलाने पे उसी दिन उनको ठंड लग सकती है एंड उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद इनको गर्मी लग सकती है। मैं अभी आज सुबह ही आपको सुबह बोली है ना ब्लैंकेट लेके सोए थे। अच्छा, एंड सुबह उठ के ना ये इतनी भोली गाय बन के ऐसे बोलेंगे, कह रहे यार अरुण आपने वो ब्लैंकेट क्यों ले रखा था, आपने ये कम्फर्टर क्यों नहीं लिया, मैंने कहा तूने लेने दिया था, तूने लेने अरुण 3D कर्टन्स ऑर्डर करने हैं, एंड मैं सच बताऊं मैं शौक में था, मैंने कहा यार उपासना 3D वॉलपेपर सुने थे, कर्टन भी 3D आते हैं क्या, कह रही यार। फिर जैसे कि जैसे जो इनकी ड्रेस होती है उसके हिसाब से ज्वेलरी वगैरह ये वो ऐसे वैसे, मेरे को तो यार ये भी नहीं पता कौन सा जूता कहाँ पड़ा है मेरा, कौन सी मेरी सॉक्स कहाँ पड़ी है। पर ये चीज है कि मतलब इनको शायद जब से हम मिले, मुझे नहीं बता रहे ना कि आप कपड़े तो नहीं लेने जाते, कपड़े तो मैं ही लेके आती, मैं जो अपने मतलब जैसे क्योंकि अभी क्या हो रहा है यार जैसे कॉलेज शोज वगैरह क्योंकि नहीं हो रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, और ज्यादा मेरा बाहर जाना रहता नहीं क्योंकि सारा काम मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो मैं जो उसमें बॉक्सर और टी शर्ट में ही रहता हूँ मोस्टली, तो सारी टी शर्ट बॉक्सर्स वगैरह लोवर्स वगैरह वो उपासना ही ले आते हैं, एंड जैसे जो बाहर पहने कपड़े होते हैं ना जीन्स वगैरह या फिर जो टी शर्ट तो मैं ले आती हूँ, शर्ट्स वगैरह जीन्स नहीं लाती हूँ, जीन्स में ना ये बहुत चूजी है क्योंकि वो फिर मेरे को चाहिए अपने कम्फर्ट के हिसाब से। तो और पता क्या चीज है, मतलब मुझे होता है कि थोड़ा जैसे फंकी सी लुक में, मतलब जैसे बाहर जाना है तो थोड़ा कैजुअल, मतलब कैजुअल है फंकी है थोड़ा सेमी फॉर्मल है, मतलब हर चीज की, इनका क्या चलता है ना इनको शर्ट चाहिए सारी चेक में, टी शर्ट चाहिए सारी ऐसी, अब जाके मैंने बदला, मैंने वो सारी चीजें ही उठा दी वहां से, नहीं शर्ट अभी भी मतलब मेरे को चेक्स में अपनी। हाँ, और वो पता अब क्या हो गया, सेम कलर में भर भर के ना कम से कम 20-30 तो इनकी जीन होगी और ब्लू भर के, यार जीन्स में खुद ही नहीं समझ आता कि कौन सी पुरानी है, समझ ही नहीं आता कि उसमें बंदा चूज ही कैसे हो सकता है।
थी। और लेकिन हाँ ये है कि आलस वालस है यार मेरे अंदर, बहुत ज्यादा आलस है कि मतलब तैयार होने से लेके कि लोगों को यार बड़ा शौक होता है कि तैयार होके रील्स वगैरह शूट करें, मेरे अंदर नहीं। वो पास में कई बार ना बेचारी यार तैयार व्यार होके अरुण रील शूट करनी है अरुण बाहर चलते हैं। मेरे को बाहर चलने में भी ये आलस आता है, मैंने कहा यार यहाँ से इतने जाम में मैं गाड़ी निकाल के लेके जाऊंगा, तो इन चीजों में मेरा है आलस मतलब। लेकिन फिर भी ये है कि जो भी जैसे भी उपासना अपना कंफर्टेबल फील करती है या अगर वो नहीं भी करती तो मतलब मैं पूरा ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से कि इनको कंफर्टेबल फील हो। सबसे ज्यादा क्या चीज है इम्पोर्टेंट है, मतलब आप दोनों के ना एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिस दिन वो बहुत ज्यादा होगी ना, मतलब आप उसके ड्रीम्स की भी उतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो जितनी आप अपने मतलब करते हो। जितने आप अपने लिए पागल हो ना अपने ड्रीम्स को लेके, इतना ही आप उस इंसान के सपनों को लेके भी पागल हो। और ये चीज ना हम दोनों में सबसे बेस्ट है कि इनका किसी चीज को लगता है ना कि ये चीज ऐसे, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अरुण ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, हम ना रात को सोने से पहले इस चीज को अरुण हमेशा डिस्कस करते हैं, चाहे वो मेरे काम को लेके आए चाहे इनके को लेके आए। तो ये हमारी हमारे बीच में डिफरेंसेस और कॉमन तो शायद आपको लगा नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। कॉमन सिर्फ एक है कि हम दोनों एक दूसरे से इतने दिन से मैं इनके पीछे पड़ी हुई हूँ क्या कि घर में चीजें सेटल हो गई हैं, बट हाँ कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे वो मॉडर्न पेंटिंग्स लगाना है। अब मेरे को ये होता है ना यार अच्छा ठीक है कर लेंगे। सबसे फनी चीज क्या होती है, मैं इनको कोई कॉन्सेप्ट बोलती हूँ ना तो पहले इनका आता है अब ये कौन सी बसूड़ी है। नहीं तो अब नहीं चलता। अब जैसे कि मेरा जो ग्रुप है ना पूरा, वो थोड़ा सा अब फिर भी मतलब मैंने थोड़ी सी हिंदी ज्यादा बोलनी शुरू किया, बट मेरी पूरी प्रॉपर हरियाणवी मतलब मेरे सारे ग्रुप सर्कल वगैरह वैसे हैं। तो अब जैसे कई बार उपासना यार ये कैसी लैंग्वेज है यार मेरे सामने ना ये मत बोला करो। नहीं ये ऐसा नहीं होता, मुझे लैंग्वेज से इशू नहीं है। पता क्या करेंगे, हम नॉर्मल कहीं पे खड़े हैं एकदम से, हम नॉर्मल बहुत बात कर रहे हैं, इनको किस चीज पे गुस्सा आएगा ना, पता क्या करेंगे, हाँ भाई बोल, हाँ भाई मैं ऐसे शक्ल देखनी शुरू हो जाऊंगी ये क्या था अरुण, अब ये क्या था। इतने साल क्योंकि वैसे सर्कल में रहा ना मैं तो वैसी आदत हो गई। और यार रिद्धि अब इस चीज में मस्त हो गया, वो बन रही है हमारी हाइब्रिड, वो हरियाणवी हिंदी पंजाबी सब मिक्स हो रहा है आजकल। उसने पंजाबी सीखना शुरू की हुई है, पंजाबी चैनल लगा लेती है। जहाँ आपको बोझ ना लगे, जहाँ आपको एक दिन एक साल की तरह ऐसे लगे कि हमने एक साल जिया है उस दिन में। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट समझ लो, एडवाइस समझ लो भाई, लड़की है ना ठीक है, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए उसे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हाथ कटे तुम कैसे समझ लोगे। देखो क्योंकि सिंपल सी बात है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये फैक्ट है और लड़कियां भी जानती हैं। आप लोगों ने जेनेलिया डिसूजा की भी एक रील देखी होगी कि मुझे कई बार गुस्सा आ जाता है और मुझे रीजन नहीं पता होता क्यों। तो लड़कियों के साथ होता है कि उनको कई बार गुस्सा आ जाता है ठीक है, बट दे डोंट नो द रीजन, क्योंकि बस उनका गुस्सा करने का मन कर रहा था। और पता क्या, लड़की की जिंदगी में ना पति एक ऐसा होता है जिसके ऊपर वो अपनी सारी भड़ास निकाल सकती है। लिटरली ये चीज तो कई बार होती है ना ठीक है, बेवजह नहीं, मतलब मैं वो ऑफिस कुछ गुस्सा है ना, मैं किसको बोलूं किसको को, मैं अरुण को बोलूंगी अरुण मेरे को बड़ी इरिटेशन हो रही है, दो मिनट बैठ के सुन लो मेरी भड़ास निकल जाएगी। अब देखो ऑफिस के बच्चों बोलेंगे वो छोड़ के चले जाएंगे, दोस्तों को बोलोगे वो बुरा मान जाएंगे, वो मैं आप बोल नहीं सकते, लास्ट में बचा कौन, पति। हाँ अगर पति को कभी गुस्सा आए तो पति नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर पति ने बोला तो फिर ये हो जाएगा आज तो मेरा इतना अच्छा मूड था कर दिया ना खराब। ओके तो यार ऐसे ही हंसते खेलते रहो, बढ़िया से लाइफ वगैरह एंजॉय करो। अगर आपके लाइफ में अभी आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो रिमेम्बर इट्स नेवर टू लेट, जरूर आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा। टाटा बाय बाय, क्योंकि हाथ में हो गया इनके दर्द हो गया मेरे हाथ में।